नाउ हाउ टू फाइंड आउट, लेट से मान लीजिए कि यह एक सर्कल है, इसमें यहाँ पर थीटा है, तो ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया और ये हो गया आपका मेजर सेक्टर, ठीक है। तो अगर थीटा लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है, तो जो सेक्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। अगर थीटा ग्रेटर देन 180 है तो ये वो हो जाएगा मेजर सेक्टर। अगर थीटा बराबर 180 है तो दोनों सर्कल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। तो अगर माइनर सेक्टर का एरिया देखा जाए तो कितना हो जाएगा, थीटा, अगर सेक्टर का एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना, पाई स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360, ये माइनर सेक्टर एरिया हो गया। तो अगर मेजर सेक्टर एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर एरिया और आगे क्या हो गया, पूरा सर्कल में से माइनर सेक्टर को घटा देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा पूरा, इस पूरे सर्कल में से ये वाला माइनर को घटा देंगे सर्कल का एरिया तो ये वाला पूरा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पूरे सर्कल का एरिया, माइनस माइनर सर्कल का, माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो गया, पाई स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। तो इस तरह से हम मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं एक गिवन सर्कल में। अगर एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें कि थीटा एंगल अगर ये दिया हुआ है, आपका रेडियस दिया हुआ है r, तो आप मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा आप निकाल सकते हैं इस तरह से।